सब कुछ अगर छवि होता है तो जो समझ में आता है, जैसे आपका बात सुनना है वो भी टाइम में ही प्रोसेस हो, तो सर क्या ऐसा होता है कि एक छवि कुछ छवि ऐसा होता है जो बाकी सारी छवियों को मिटा सकती है? ऐसे देखिए, इस बात को स्वीकार करना आसान होगा कि संसार में ही कुछ छवियां होती हैं जो दूसरों से बेहतर होती हैं, जो दूसरों की काट होती हैं। कुछ छवियां ऐसी होती हैं जो आपको छवियों से मुक्त कर सकती हैं। पर अगर मैं इस बात को स्वीकार करूंगा तो बात ईमानदारी की नहीं होगी। आप यदि यहाँ बैठे हैं और आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो वो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, आप कुछ सुन रहे हैं। जिसे आप समझ कहते हैं वो मन के पार की बात है, जिसे आप समझ कहते हैं वो आपको समझ ना आने वाली बात है। आप यहाँ बैठते हैं, आप शांत हो जाते हैं, आपको उसके लिए कोई ना कोई विवेचना ढूंढनी है, क्योंकि आपको हर बात अपनी समझ के दायरे में रखनी है। तो आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि आप इस बात को तर्क में व्यक्त कर दें, एक्सप्लेन कर दें कि यहाँ क्या हो रहा है। तो आप एक कहानी गढ़ते हैं। आपकी कहानी है कि यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ मैं बैठा हूँ, मैं कुछ बातें कह रहा हूँ, आप उन बातों को सुन रहे हैं, वो बातें आपको ठीक लग रही हैं और ठीक लगने के कारण आपको शांति मिल रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसी कोई घटना नहीं घट रही है, ना आप यहाँ बैठे हैं ना मैं यहाँ बैठा हूँ, और जो शांति है वो मेरे कुछ भी कहने से नहीं आ रही है, ना आपके सुनने से आ रही है। यहाँ क्या हो रहा है वो आँखों से देखने की नहीं, कान से सुनने की नहीं और मन से सोचने की नहीं, ऐसी कोई बात है। जो भी कोई इंद्रियों के और मन के किसी कारण के चलते यहाँ आकर के बैठेगा, वो वही भूल कर रहा है जिसके बारे में आज हमने इतनी बात करी है। वो संसार में सत्य खोज रहा है, वो व्यक्ति में गुरु खोज रहा है, उसे कुछ हाथ नहीं लगेगा। हाथ उनके लगता है जो बिना कुछ जाने समझे, जो अकारण ही बिना आगे पीछा देखे यूं ही बैठ गए हैं। ये कहना भी उचित नहीं होगा कि वो यहाँ बैठ गए हैं, क्योंकि वो यदि बैठते तो अपनी मर्जी से, अपनी सम्मति से बैठते। किसी प्रवाह ने, किसी ताकत ने, किसी जोर ने उनको यहाँ बैठा दिया है। और जिन्हें कोई हसरत नहीं है ये जानने की कि वो क्यों यहाँ मौजूद है, जो पूरी प्रक्रिया को कोई नाम नहीं देना चाहते, कोई कहानी नहीं खड़ी करना चाहते, सिर्फ वही वास्तव में बैठे हैं। जिनके पास वजह है, जिनके पास तर्क है, भले ही उनका तर्क ये हो कि ये बातें उन्हें बड़ी भाती हैं, भले ही उनका तर्क ये हो
कि भ्रम मिटते हैं और शांति आती है। पर यदि उनके पास कारण है और तर्क है तो उन्हें सिर्फ चूक मिल रही है, एक और चूक। Words into silence. Words still are from the world. Words? Are still from the world. Listening, words coming in the world, and silence is not from the world. Then how can words take you to silence? Bachpan aaya hai. Koi तुक्का मारने की कोशिश है, कि जैसे किसी बच्चे की माँ जब भी बाहर से लौटे तो अपने जूते उतार करके किसी रैक पर रखते, और बच्चा ये निष्कर्ष निकाले कि रैक पर रखा जूता माँ से मिलाने का जरिया हो सकता है। जैसे कि रैक पर रखा जूता कारण बन सकता हो मां से मिलन का। जो है उसकी प्रतीति तुम्हें अभी तब हो रही है जब ये शब्द तुम्हारे कान में पड़ रहे हैं, पर जो है क्या वो सिर्फ तब है जब मैं बोल रहा हूं? बोलो, वो तो निरंतर है ना। जब जगोगे तो पाओगे कि वर्ड्स इनटू साइलेंस नहीं, साइलेंस इनटू साइलेंस। वही है शब्द, क्या उस तक ले जाएंगे, शब्द भी वही है। पर अभी एक मानसिक स्थिति में हो, उस मानसिक स्थिति में तुम शब्दों में जीते हो, तो जो पूरा फैला हुआ सत्य है वो तुम्हें नहीं दिखाई देता, तुम्हारी सीमा है। तुम्हारा जो रिसीवर है वो सिर्फ शब्द पकड़ पाता है। तुम्हारी तो स्थिति ऐसी है कि मैं तुम्हारे सामने आनंद में बैठा हूं, तुम्हें आनंद की कोई खबर नहीं लगेगी, क्योंकि आनंद को जानने वाला, पकड़ने वाला यंत्र ही तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें तो आनंद का कुछ ज्ञान तब होगा जब मैं आनंद पर कोई वक्तव्य दूंगा, कुछ बोलूंगा, तो तुम बोलोगे वर्ड्स इनटू आनंद। अब ये बात हकीकत से बहुत दूर है। आनंद तो शब्दों के पहले भी था। तुम्हारी भूल है कि तब तुम्हें दिखाई नहीं देता था क्योंकि तुम शब्द जीवी हो। तुम्हें तभी समझ में आता है जब कोई बोले,
और जो तुम्हें समझ में आता है वो बड़ी ना समझी है। तुम कहते हो कि मेरे शब्दों से तुम्हारा मन मौन की तरफ जा रहा है, तो शब्द किसके? मेरे। मेरे होने से नहीं जाता, मैं तो मैं ही हूं ना। मैं तो दिन भर इधर उधर घूम रहा हूं, बैठा हूं तुम्हारे सामने, तब तुम नहीं कहते। की स्टेप्स इनटू साइलेंस, फूड इनटू साइलेंस, स्लीप इनटू साइलेंस, वॉक इनटू साइलेंस, क्योंकि तुम्हें किसी के होने, किसी की उपस्थिति को पढ़ना आता ही नहीं। तुम्हें उतना ही आता है जितना स्थूल हो, शब्दों भर को पकड़ पाते हो तो शब्द दिए जाते हैं। इसी कारण थोड़ी देर में तुम्हें घोषणा कर दोगे कि ये सत्र समाप्त हुआ, फिर मैं गुरु नहीं रहूंगा, फिर तुम इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं समझोगे। तुम कहोगे वर्ड्स ले जाते थे ना इनके साइलेंस में, और वर्ड्स तो चुक गए, खत्म हो गए, तो अब थोड़े ही जरूरी है ध्यान देना। अभी बोल रहे हैं तो सुन लो, क्योंकि वर्ड्स इंटू साइलेंस, बीइंग इंटू साइलेंस थोड़े ही। फिर स्थूलतम से जरा आगे बढ़ोगे, सूक्ष्म की ओर जाओगे, तब गुरु को बोलना नहीं पड़ता, उसके होने को समझते हो, उसकी आंखों को समझते हो। आईज इंटू साइलेंस, स्माइल्स इंटू साइलेंस, कुछ और नहीं हो रहा, तुम बदल रहे हो, तुम्हारा कोहरा छट रहा है, वरना और कोई घटना नहीं घट रही। जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे ही भीतर हो रहा है। और फिर एक बिंदु ऐसा भी है जहां साइलेंस इनटू साइलेंस, जहां न किसी के शब्दों से तुम्हें प्रयोजन है, न किसी के देह से, न किसी की उपस्थिति से, मौन ही मौन है, गुरु ही गुरु है, आत्मा ही आत्मा है, सत्य ही सत्य है। साइलेंस, जस्ट साइलेंस।